रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्तु त्रिपाठी। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। हमारे देश में 1000 से भी ज्यादा सरकारी विश्वविद्यालय, 45,000 कॉलेज और लगभग 14 लाख स्कूल हैं। अगर बात छात्रों की करें तो इनकी संख्या 30 करोड़ से भी अधिक है। ऐसे में लंबे समय से ये सवाल उठ रहा था कि छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए क्या नई शिक्षा नीति आएगी, क्या नए भारत के निर्माण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे। खैर, 34 साल बाद ही से, लेकिन अब ये बदलाव हो गया है। जी हाँ, 3.5 दशक के लंबे इंतजार के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आखिरकार मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि HRD मिनिस्ट्री अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाएगी। 29 जुलाई को मंजूर की गई नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में आमूलचूल बदलाव का खाका तैयार किया गया है। इसमें बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने और छात्रों पर से पाठ्यक्रम का बोझ कम करने पर जोर दिया गया है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता की अब से हर 5 वर्षों में समीक्षा की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत 2022 के बाद से शिक्षकों की भर्ती सिर्फ नियमित होगी, मतलब अब 2 साल बाद पैरा टीचर्स नहीं रखी जाएगी। वहीं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने से क्या छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा, स्कूल कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी के बावजूद क्या नई शिक्षा नीति बेहतर नतीजे दे पाएगी, स्कूली शिक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करने के बाद क्या छात्रों को आगे चलकर परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा और भी कई बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे, बदलाव कितने में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई शिक्षा नीति पर मोहर लगाई गई है। इसमें साल 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक 100%, जबकि उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर GDP का 6% तक करने का लक्ष्य। नया 34 साल बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ा बदलाव हुआ है, उससे देश के भविष्य को क्या नई राह मिलेगी, क्या इस नीति से नए भारत का निर्माण होगा, और सबसे अहम सवाल यह है कि यह बड़ा बदलाव वाकई कितना बेहतर है। चलिए इस विषय पर विस्तार से बात करें। पहले एक रिपोर्ट देखकर ये समझ लेते हैं कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव किए। 3.5 दशक बाद नई शिक्षा नीति को मिली मंजूरी। स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में बड़े बदलाव। बड़ा सवाल, नई शिक्षा नीति से बनेगा नया भारत। केंद्र सरकार ने जिस नई शिक्षा नीति को अपनी मंजूरी दी है, उसके बाद HRD मिनिस्ट्री अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाएगी। 34 साल बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए इस बड़े बदलाव के जरिए बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा के भार को कम करने की कोशिश की गई है। खास बात यह है कि अब अगर पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो पहले की पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट, 2 साल की एजुकेशन कंप्लीट होने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वहीं 3 या 4 साल की पढ़ाई के बाद डिग्री दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता भी खत्म हो गई है। अब 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में ये भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। इसी के साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम को अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं के हैं। इसके अलावा स्कूलों में आर्ट, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम का कोई कठोर पालन नहीं होगा। छात्र अब जो भी पाठ्यक्रम चाहे वो ले सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत MPhil कोर्सेज को खत्म किया जा रहा है। मतलब यह है कि
जो छात्र शोध क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वे 4 साल के डिग्री के प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी या डीफिल में प्रवेश ले सकते हैं। वही जो छात्र नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए वही डिग्री कोर्स 3 साल में पूरा हो जाएगा। नई शिक्षा नीति का एक अहम पहलू ये भी है कि अब दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज देश में अपना कैंपस बना सकेंगी। जो बदलाव हुआ है उसके तहत देश भर के सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में और भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। हालांकि इन बदलावों के बीच अब देखना यह है कि आने वाले समय में शिक्षा की सूरत कैसे और कितनी तेजी से बदलती है, और सबसे अहम यह है कि छात्रों का भविष्य कितना उज्जवल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो छात्रों को अब कौशल विकास के तहत रुचि के मुताबिक ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। इसी तरह से उच्च शिक्षा में बिखरे ढांचे को एक नियामक के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही इनके कोर्सों को कुछ इस तरह से तैयार किया जाएगा जिसमें वह कोर्स को बीच में छोड़कर कोई दूसरा पसंद का विकल्प भी चुन सकेंगे, जिसका क्रेडिट ट्रांसफर भी हो सकेगा। यानी छात्रों की अभिरुचि को पंख फैलाने का पूरा दायरा दिया गया है। खैर, शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ा बदलाव हुआ है वो कितना बेहतर है, चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं। जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं 2 शिक्षाविद हैं, सैयद फाजिल जी हैं, डॉक्टर आनंद शर्मा जी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुदेश कुमार सोहानी जी हैं, आपका स्वागत है। इनके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के नेता जी हैं अवधेश जैन जी, और छत्तीसगढ़ के एनएसयूआई के अध्यक्ष आकाश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। और उनके साथ ही हमारे साथ जल्द ही लाइव जुड़ेंगे मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी। सबसे पहले आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के कुलपति जी से हम जानना चाहेंगे, आपने जो कॉलेजों का विश्वविद्यालय एक आप चला रहे हैं, और ये कॉलेज जो विश्वविद्यालय चला रहे हैं, इसमें जो बदलाव हुआ है उससे जो छात्र हैं उनके जीवन में, उनकी पढ़ाई में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए विभा जी, सबसे पहले तो मैं सारे शिक्षाविदों को और जो नई जनरेशन के विद्यार्थी हैं और जो भी शिक्षा के लिए अपना इम्प्रूवमेंट के लिए मन रखते हो, सभी को मैं बधाई देता हूँ जी। क्योंकि ये जो शिक्षा पॉलिसी बनी है, एजुकेशन पॉलिसी, ये एक तो 34 साल के बाद, जो कि हर वक्त एक शिक्षाविद हमेशा सोचता रहा था और हमेशा जो उनके पेरेंट्स रहते थे वो भी हमेशा इस बात से चिंतित रहते थे कि यदि इसी तरह की शिक्षा चलती रही तो उनके बच्चों को भविष्य में जॉब का क्या होगा। यदि उन्हें सही तरीके से शिक्षा होगी या जो स्किल बेस्ड शिक्षा होगी या अप्लाइड शिक्षा होगी तभी उन्हें प्रॉपर जॉब मिलेगा, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में भी। और इस चीज को इस शिक्षा नीति में बिल्कुल अच्छी तरह से संजो के रखा गया है। और इसमें जो एक बात अभी त्रिपाठी जी ने कही कि हम लोगों का जो प्रवेश दर है जी, वो यदि बढ़ाना है जी, इसमें वो जो एक पॉइंट लिया है कि यदि 10+2 के बाद जब भी बच्चा कॉलेज एजुकेशन में जाता है हाँ। तो 1 वर्ष के बाद यदि वो चाहता है कि यदि मैं छोड़ के अपना कुछ और कार्य करूं या उसके पास कुछ स्किल्स डेवलप हो जाती है और उस बेसिस पे उसको कहीं जॉब मिलता है तो वो छोड़ के जाएगा तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल के बाद जाता है डिप्लोमा मिलेगा। 2 साल के बाद जाने के बाद यदि उसका मन वापस करता है कि 3 साल के बाद मैं पुनः उस डिग्री को फिर से परसू करूं तो वो भी उसके पास ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शन और इस तरह की बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जो डेवलप कंट्रीज की विश्वविद्यालयों में हैं उनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिसी इस देश की जो नई जनरेशन है उनके लिए एक वरदान सिद्ध होनी चाहिए और होगी। इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफकोर्स एक थोड़ा सा चैलेंज रहेगा जिसमें कि हमें अवेयरनेस को बढ़ाना आवश्यक होगा जी। आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है आम लोगों के बीच में, छात्रों के बीच में, कि बीच में अपना सब्जेक्ट भी आप बदल सकते हैं। अभी तक तो ऐसा सुनने में आया है कि बीएससी से सेकेंड ईयर में है कोई तो बीएससी आर्ट में जा सकता है, लेकिन आर्ट का स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट मैथ्स या बायो में नहीं जा सकता है। इसमें थोड़ा सा आपसे आप जानना चाहेंगे कि इसमें क्या सत्यता है। निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें जी। जो साइंस के स्टूडेंट होते थे जी, बहुत से साइंस के स्टूडेंट उसकी मान लीजिए हिस्ट्री में रुचि है जी, तो वो उस सब्जेक्ट को आप नहीं कर पाते थे। अब जैसे उन्होंने बोला फाइन आर्ट के अंदर अभी बच्चे को जाना है
साइंस स्ट्रीम के साथ साथ वो फाइन आर्ट भी एक सब्जेक्ट आप कर सकता है। तो ये विकल्प की जो सुविधा दी गई है ये एक बहुत अच्छा कदम है जी। इसके अलावा जो जैसा सोनी साहब ने बताया जो मल्टीपल एग्जिट वाली जो स्कीम आई है ये भी बहुत अच्छी स्कीम है जी। कई बार मजबूरी वश आदमी अपना डिग्री पूरी नहीं कर पाता जी। अगर वो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के अंदर अगर वो डिग्री छोड़ता है किसी कारणवश तो वो उसका पूरा समय बेकार हो जाता था जी। लेकिन ये नई मल्टीपल एग्जिट चॉइस आने के कारण कम से कम उसको फर्स्ट ईयर पास होगा तो डिग्री मिल जाएगी या डिप्लोमा मिल जाएगा या ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी, जो इस तरह की कर दी गई है ये बहुत अच्छा फीचर है जी। नहीं तो इसमें क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जो आर्ट का स्टूडेंट है वो अगर मैथ सब्जेक्ट लेना चाहे बायो सब्जेक्ट लेना चाहे साथ में तो कर सकता है क्या? अब देखिए डिटेल में ये भी आएगा, अभी इसका ड्राफ्ट वो डिटेल में भी नहीं आ पाया, जब डिटेल में ड्राफ्ट उसका आएगा वो देखने का मैं आपको बता पाऊंगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है उसके अंदर तो शायद ये सुविधा स्टूडेंट्स को उस तरह की चॉइस बेस्ड अपने सब्जेक्ट ले सकते हैं उसमें, जब साइंस आर्ट्स कॉमर्स का डिफरेंस 12 तक नहीं है तो निश्चित रूप से बच्चा ले सकता है उसको जी। आगे चल करके जी चलिए स्कूल शिक्षा में क्या बदलाव हुआ है, फाजिल साहब हमारे साथ है। फाजिल साहब आपको मेरी आवाज मिल रही? जी जी सर जी। स्कूल शिक्षा में जो बदलाव 5+3+3+4 तो ये 5+3+3+4 ये तो बहुत लंबा हो गया, 5, 3, 8, 3, 11, 4, 16 साल। खैर ये अभी भी ये प्राइवेट स्कूल में होता रहा, जैसे कह सकते हैं नर्सरी फिर KG1 फिर KG2 ये चलता रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में ये नहीं चलता था, वहां सीधे पहली में दाखिला होता था। तो क्या ये प्राइवेट स्कूलों में जो होता था उसको अडॉप्ट कर लिया है? और थोड़ा संक्षेप में अभी बहुत सारे सवाल आपसे करेंगे, ये जानना चाहेंगे कि इस बदलाव से क्या सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चे आएंगे, क्या उनको फायदा होगा क्या नुकसान होगा, थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जो प्रयास है जी, चाहे आप 10+2+3 बोलिए चाहे ऐसे बोलिए, इट मेक्स नो डिफरेंस। डिफरेंस वुड ओनली कम व्हेन यू हैव अ वेरी गुड मटेरियल्स, कंटेंट्स, बुक्स, टीचर्स, ट्रेनिंग्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात है कि देखिए आपने कहा 10+2+3 कैसे चलते, एक मिनट फाजिल साहब, आपने कहा 10+2+3 तो 10+2+ यानी 12वीं 3 यानी ग्रेजुएशन तक हो जाता है, तो क्या ये ग्रेजुएशन का मामला खत्म हुआ है या नर्सरी केजी वाला मामला जुड़ा है? नहीं नर्सरी केजी वाला ऐड हो गया, जैसे आपने सही कहा था प्राइवेट स्कूल वाला। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि शिक्षा कैसे चलती है, तीन स्टेज पे, आनंदा, फिर जिज्ञासा और फिर साधना जी। पहले आनंदा, फिर जिज्ञासा और फिर साधना जी। ये तीन स्टेज को होलिस्टिक एजुकेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा। लेकिन हम लोग कहीं कट पेस्ट तो नहीं करें यूएस के सिस्टम को लाकर, लेकिन इसकी स्पिरिट को कौन मेंटेन करेगा, कौन देखेगा कि किस तरह से बच्चों को जो छूट दी जा रही है, और खासतौर पर इंग्लिश हटाई गई रीजनल लैंग्वेज जो है, तो रीजनल लैंग्वेज पढ़ के बच्चा जब हायर में जाएगा तो फिर उसको वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आएगा। तो बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी है, मॉनिटरिंग है, वो बड़ी बात है। ये 10+2+3+5+ इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है कि जो अच्छी बात है बजट बढ़ाया वो अच्छी बात है। हाँ, इनोवेशन ट्रेनिंग और बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात कि जो हिंदी स्कूल के जो बच्चे डायरेक्ट क्लास वन में जा रहे थे उनका डेवलपमेंट घर में हो जाता था, जरूरी है कि कॉन्वेंट के बच्चे PP1 PP2 पढ़ रहे थे तो कोई बहुत अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, फ्रीडम नहीं मिल रहा था, बल्कि वो ज्यादा बेहतर था जहां उनको डेवलपमेंट अपने सोसाइटी के अंदर उनका IQ लेवल बढ़ता था जी, तो वो ज्यादा बेहतर था जी। तो मतलब ये जो नई शिक्षा नीति है, स्कूल की जो शिक्षा है वो कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है, बल्कि आपने कहा कि अंग्रेजी हटा दी है तो और ज्यादा नुकसान है, आपके कहने का मतलब? हाँ डेफिनेटली, जो आप पूरा वर्ल्ड एक हो रहा है तो आप उसको कैसे हटाएंगे? और फिर क्या है कि रीजनल लैंग्वेज ठीक है लेकिन बहुत सारे टेक्निकलिटीज हैं, वो उसमें आपको इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे आप, उसको एक्सप्लेनेटरी अच्छी नहीं होगी आपकी, तो वो डिफिकल्ट होगा। जैसे साइंस है, टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, वो डिफिकल्ट होगा। और दूसरी बात है कि जो नर्सरी PP1 PP2 का जो कोर्सेज है वो यूजलेस कोर्स था, वैसे भी वो कट पेस्ट था, बल्कि कहीं अच्छा आपके जमाने में था, हमारे जमाने था, जबकि बच्चे डायरेक्ट क्लास वन में आ रहे थे
तो उनका सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट उनका वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि अब बंद हो गया, बच्चों में नहीं आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे पीपी1 पीपी2 का कोर्स पढ़ के स्ट्रेस में आ रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है, फूल है, और पढ़ाई से इंटरेस्ट घट रहा है, और ये सिंगल डायमेंशनल मार्क्स पैटर्न पर चले गए। चले हम आपके पास फिर आएंगे, ये एक बार फिर से आपसे जानने का प्रयास करेंगे स्कूल वाले मामले, कि छात्र जो पाठ्यक्रम अलग, कोई मैथ्स, बायो, हिस्ट्री मैथ्स या और कोई सब्जेक्ट, स्पोर्ट, ये ले सकता है सब। अभी ये खुली छूट दे दी गई है, इसमें अभी हमको भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। हमारे शर्मा जी ने भी कहा कि अभी बहुत क्लियर नहीं है, शायद आपको क्लियर हो आपके पास आएंगे। लेकिन विपक्ष क्या सोचता है इस बारे में, हमारे साथ एनएसआई के अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के आकाश शर्मा जी, क्या सोचते हैं आकाश जी? मोदी सरकार ने ये 34 साल बाद, हालांकि मोदी सरकार बने इन 34 सालों में, मोदी जी के 6 साल छोड़ दीजिए, अटल जी का छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत अगर बीती सिंह जी की सरकार मानते हैं छोड़ दीजिए, ज्यादातर आपकी ही सरकार रही है, माने कांग्रेस सरकार रही है, तो उसने ये शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं किया, अब ये इन्होंने परिवर्तन किया है, इसको किस रूप में आप ले रहे हैं? मैं बहुत ही, मतलब मैं खुद एक छात्र रहता रहा हूँ और खुद मैं इन जो कॉलेज का छात्र रहा हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ ये भारतीय शिक्षा को बर्बाद करने का एक तरफा अभियान आज मोदी सरकार ने किया है। जिस प्रकार से वो देश भर में विश्वविद्यालय, देश भर में प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो कंपनी इसको एक सरकार निजीकरण कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज शिक्षा को भी निजीकरण कर दिया गया। आप अगर पॉइंट वाइज आएंगे आप तो इस शर्मा जी से आकाश जी के पार्टी के आकाश जी अटल जी का सपना था आकाश जी 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 आकाश जी एक मिनट हम आपको रोकेंगे, हम आपके पास फिर आएंगे, आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा। हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी जुड़ गए हैं। मोहन जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कैसे हैं आप? जी, आपका भी स्वागत है। जय महाकाल। जय महाकाल। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? बस बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अरे आपके सारे मित्र यार सब कोरोना से। जी, आनंद त्रिपाठी जी बहुत बढ़िया है, कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं, आप स्वस्थ रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपको। हालांकि आप में इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा है, आप स्वस्थ रहेंगे। जी जी बहुत जी मैंने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? विपक्ष ये कह रहा है कि निजीकरण एक तरह से हो रहा है, ये बर्बाद करने की एक व्यवस्था लागू की गई है, किस रूप में लेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार आदमी जो थोड़ा भी शिक्षा की समझ रखेगा वो इसकी सब समर्थन करेगा। ये मुझे आपके चैनल से इको हो रहा, थोड़ा सा उसको देखवा लें त्रिपाठी जी, है ना? देखो भाई, तकनीकी कारणों से हमारे लोगों से बोलिए कि अब ठीक हो गया होगा मोहन भाई जी। जी ठीक हुआ, बोलूंगा तो इको होता। चलिए, मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि वर्तमान में जितना अच्छे प्रकार से सरकार ने सब पक्षों को विचार करके लगभग 3-4 साल तक विमर्श करने के बाद पहली बार ऐसी शिक्षा नीति लागू की जिसने सब क्षेत्रों को समाविष्ट किया है और जिसकी आज के समय में अत्यंत आवश्यकता थी जी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप देखिए, जब हम कहते हैं कि भाई ITI और बाकी क्षेत्रों में लोग जाना चाहते हैं, उनको जबरन शिक्षा में क्यों धकेल रहे हैं, तो कक्षा 6 के बाद ही इस बात की गुंजाइश ली है कि भाई जिसको टेक्निकल साइड में जाना है या किसी को जो मनपसंद अपने रुचि के कोई प्रैक्टिकल करना है, तो ये सब बातों की गुंजाइश दी है। और स्कूली शिक्षा, शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, ये समग्र शिक्षा है, तो ये सबको जोड़ करके जो बनाना है एक तरह से ये लाभ है। फिर आपने कहा कि भाई जो UG में जाना चाहता है अर्थात स्नातक स्तर की शिक्षा लेना चाहता है, तो स्नातक शिक्षा में भी एक साल में भी अगर वो छोड़ता तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो कम से कम जो उसका एक साल जाया हुआ, अभी 3 साल की डिग्री में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, एक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो जिसको जिस रूप में जाना है जी। ये जो इसमें अलग अलग आयाम सम्मिलित किए और खास करके साइंस में, कला में जो सामंजस्य किया है, मुझे लगता है कि शिक्षा के लिए इससे बेहतर कोई अवसर नहीं हो सकता है। एक समान शिक्षा नीति, फिर प्राइवेट और गवर्नमेंट के अलग अलग सिलेबस, वो सारे संकट खत्म हो जाएंगे। शिक्षा से आगे जाकर के जो ड्रॉप आउट होने वाली संख्या है वो बहुत बड़ी है। मैं मान के चलता हूँ कि पहली बार ऐसी टारगेट लिया कि 2035 तक
जी, हम 50% अपना ड्राउट एडमिशन को ले जाएंगे प्राथमिक फर्स्ट ईयर तक जी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी टारगेट भी है। खासकर हमने देखे कि ये अपने देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दिल्ली या एकाध राज्य और छोड़ दें तो इसके आसपास में आने में अभी हम सबको खूब मेहनत करना पड़ेगी। मैंने आज ही इस बात को लेकर के सभी शिक्षा साथियों की बैठक की थी, उसमें कुलपति है, प्राइवेट विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है और कई लोगों को बुलाया, सबने मिलकर के जो जिस प्रकार से इस शिक्षा नीति का स्वागत किया है ये बहुत अनुकूल वातावरण बना रही है और स्वस्थ माहौल में मुझे लगता है कांग्रेस बीजेपी के नजरे से अगर हटा दें तो कोई भी व्यक्ति इसकी बुराई नहीं करेगा जी। एक सवाल यहाँ यह है, निश्चित तौर पे जो कोई अगर किसी कारणों से, पारिवारिक कारणों से, अन्य कारणों से अगर वो सेकेंड ईयर तक पढ़ता है, फाइनल नहीं कर पाता, तो बहुत अच्छी व्यवस्था की डिप्लोमा उस आधार पे उसको कहीं भी जॉब कर सकता है, वो सिर्फ 12वीं पास कहलाता था अगर उसने ग्रेजुएशन नहीं किया, लेकिन अंग्रेजी की अनिवार्यता प्राथमिक उसने खत्म कर दी है, ऐसे में जो बड़े कंपटीशन है, बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें आप भी देख रहे होंगे कि लगातार ये कहा जा रहा है हिंदी को प्राथमिकता दो, हिंदी बोलो, हिंदी दिवस के दिन सारे बैंकों में हिंदी से काम हो, मंत्रालय में हिंदी से काम हो, लेकिन होता नहीं है। ऐसी स्थिति में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं बड़ी, वहां अंग्रेजी अनिवार्यता समाप्त करने पर वहां परेशानी नहीं होगी क्या? नहीं, इसमें त्रिपाठी जी कोई अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त नहीं की है, इसमें सीधे सीधे त्रिभाषा फार्मूला लिया जो वर्तमान में है जी। लेकिन एक अच्छी बात यह कर दी कि जो मातृभाषा में पढ़ाई करने की बात की है कक्षा 5 तक जी, तो ये सबके लिए बहुत आवश्यक है। क्लास 6 के बाद से लेकर के वो ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक अंग्रेजी रखे, उसमें कोई मना नहीं है, इसमें सबको समाविष्ट किया है। और ये हम जानते हैं कि दुनिया की मूल भाषाओं में संस्कृत का बेस है जी। कोई भी भाषा में देखो तो उसमें संस्कृत को भी प्राधान्यता दी है। हमारे भारत की सभी भाषाओं में भी अगर बेस पकड़ेंगे तो वो संस्कृति है, तो इसलिए ये सब बातों को लेकर के जोड़ के चल रहे हैं। इसमें कहीं अंग्रेजी नहीं नकारी है, कहीं किसी दूसरी भाषाओं को नकारा नहीं है, सारी भाषाओं को जोड़ करके पहली बार सबके साथ खड़ा करने का प्रयास किया है। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर जो हो सकता था वो सब कुछ डाला गया है इसमें। चलिए, हम शुभकामने लगे, हमारे साथ आरकेडीएम के विश्वविद्यालय के कुलपति हैं स्वानी जी, वो एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। स्वानी जी, संक्षेप में सवाल आप। भाई साहब, मंत्री महोदय, आपको शुभकामनाएं। और सच में जो आपने कहा कि मुझे मालूम है कि आज आपने मीटिंग ली, मैं उसमें था भी, और उसके तहत जो भी रिएक्शंस थी या जो उसमें बातें डिस्कस हुई थी, तो ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रदेश के लिए होगा। और प्रदेश के लिए यदि हम प्रवेश दर को बढ़ाने की बात करते हैं तो उसके ऊपर जरूर एक बहुत अच्छा प्लान बनाना होगा। तो इसके ऊपर कुछ आप प्रकाश डालना चाहेंगे सर, प्रवेश दर को बढ़ाने के लिए? प्रवेश दर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? सही है कि हमको जो हमारा ड्रॉप आउट, हाँ हाँ, मैंने ये कहा कि हमको सब क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा और इसमें बड़े पैमाने पर ये जो शिक्षा नीति की जो अच्छाइयां हैं वो जनता तक उतारना पड़ेगी। और इसमें जो दूरस्थ शिक्षा है, जैसे अगर कोई कहीं से लेकर के भी पढ़ना चाहेगा तो उसको पढ़ने में अनुकूलता बनेगी, जैसे भोज विश्वविद्यालय मुक्त तरीके से करता है। मुझे लगता है कि हमारे प्राइवेट विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट विश्वविद्यालय, कॉलेज भी अपने शिक्षा में इस शिक्षा नीति को लाएंगे तो इसका लाभ हमको मिलेगा। क्योंकि हमको जब उच्च शिक्षा से एक अनुकूल माहौल में आगे बढ़ना है तो हमको सब तरह से इसमें मदद करना पड़ेगी, और खूब मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आखिरी सवाल हमारा कि दुनिया भर की बड़ी यूनिवर्सिटीज देश में अपना कैंपस लगा सकेंगी, बना सकेंगी, ये क्या इसके पहले नहीं था क्या? ये बिल्कुल नहीं था। आप ये मान के चलो कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी आती थी, बाहर की यूनिवर्सिटी आती थी, वो कैसे कष्ट में आती हमको मालूम है, लेकिन पूरे विश्व के लिए खोल दिया है। जब हम कह रहे हैं कि पूरे विश्व के संस्थानों में भारत के बच्चों का नंबर आना चाहिए, तो वो विश्वविद्यालय अगर भारत आना चाहे तो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा को सबसे आगे बढ़े दुनिया में ले जाने में तो भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। नालंदा, तक्षशिला, अतीत काल से हम इस मामले में आगे रहे। तो आज जो भी विश्व की कोई विश्वविद्यालय आना चाहे, हम उसका स्वागत करें। अपने भारत के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं आना चाहे, एक दूसरे स्टेट में आना चाहे, उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश में हम वर्तमान में इसमें बहुत आगे बढ़ रहे हैं कि और भी जहां जहां भी जिसको जो खोलना है विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए, बच्चों की भलाई के लिए, वो भी आए, अपना काम करे।
हम सबके लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहते हैं जिसमें उच्च शिक्षा का अनुकूल माहौल बने, जिसके माध्यम से बच्चे और देश प्रदेश का नाम रोशन करें, भारत को लाभ मिले इसका। चलिए, अब यहाँ देश के हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा विदेश शिक्षा लेने नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ उनको मिल जाएगी, अच्छी नीति है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े मोहन जी, और निश्चित तौर पे जैसे हमारा आपका वादा है, एक घंटे आप फिर से, बहुत धन्यवाद जो छात्र हैं उनको आप एक घंटे के लिए फिर से आप हमारे साथ जुड़ के उनको बताएंगे ये वादा। देखिए ऑन एयर वादा कर रहे हैं आप, मुकर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार अगले सप्ताह नहीं पक्का रहेगा, नहीं पक्का रहेंगे अगले साल, अगले हफ्ते एक हम एक घंटे का पूरा समय आपके लिए डिसाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ एनएसआई के अध्यक्ष श्री शर्मा जी अपनी बात कह रहे थे। आकाश जी माफ करिएगा, थोड़ा सा उस शिक्षा मंत्री जी जुड़ गए थे तो और कुछ जानकारी लेना था, आपकी बात मैंने बीच में रोक दी। जैसा कि आप कह रहे थे कि ये शिक्षा नीति में जो बदलाव हुआ है वो शिक्षा को बर्बाद कर रहा है, निजीकरण कर रहा है, ये किस आधार पे कह रहे हैं आकाश जी? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस जो प्रथम दृष्टि में जो ऑर्डर आया है जिसे हम अगर पढ़ेंगे तो बताना चाहेंगे कि आपको कि इसे पॉइंट वाइज आप जाएंगे। जैसे अभी मंत्री जी कह रहे थे कि मातृभाषाएं बढ़ने के लिए, तो मैं इनसे एक सवाल इसी मन से पूछना चाहता हूँ कि इन्हीं के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जो हमारे आर्मी के लोग हैं, जो अलग अलग जिलों में अलग घूमते हैं, वो कभी ट्रांसफर के माध्यम से अलग अलग जिलों में जाते रहते हैं, वो ट्रांसफर में कभी उनका उनको स्कूल बदलना पड़ता है बच्चों को, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को, क्या वो अलग अलग प्रदेश की अलग भाषा पढ़ेंगे क्लास वन से क्लास फाइव तक? दूसरा बता रहा हूँ, ये एक विचारधारा को थोपने के लिए ये काम किया गया है। और केवल जो हमारे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है आकाश जी, सवाल आपके मित्र और वही आकाश 2019 को आकाश जी आपके सवालों का उत्तर आपके मित्र जी अवधेश जैन जी देंगे। मंत्री जी नहीं है अब हमारे साथ, अभी फिलहाल जुड़े नहीं है जी। मैं एक सवाल और बस पूछना चाहता हूँ, उसके बाद मैं साथ ही जवाब दे, ज्यादा अच्छा है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 7 जुलाई को मोदी सरकार ने एसटी एससी की शिक्षा पे होने वाले पे क्यों जो फंड है घटा दिया गया, उस फंड को क्यों 23% से 50% कर दिया गया, क्यों ये शिक्षा नीति केवल एक विचारधारा को खोपने की गई है? एमफिल खत्म कर दिया गया, यहाँ पर रिसर्चर्स इकोनॉमिस्ट जो निकलेंगे अब बंद हो जाएंगे, पूरी तरह से ये एक विचारधारा को थोपने की कोशिश की गई है और इस तरह से शिक्षा नीति को बर्बाद करने की कोशिश एक पर्टिकुलर विचारधारा के द्वारा मोदी सरकार द्वारा की गई है। चलिए मैंने थोड़ा सही समझ लिया विचारधारा यहाँ कहाँ से आ गई, लेकिन अब वो अवधेश जी ज्यादा बेहतर उत्तर दे देंगे। अवधेश जी, आपके मित्र आकाश जी कह रहे हैं कि विचारधारा थोपने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया इसको पढ़ने पर कि विचारधारा यहाँ कहाँ से आई, आप ही उत्तर दे देंगे बेहतर होगा। देखिए, यदि शिक्षा का सरलीकरण किया गया है ताकि आम छात्र अधिक से अधिक प्रवेश कर सकें, रुचि के अनुसार सब्जेक्ट ले सकें और 21वीं सदी के हिसाब से युगानुकूल शिक्षा नीति में 34 साल से आपने कोई परिवर्तन नहीं किया था और उसमें हमने आज युगानुकूल परिवर्तन करके एक क्रांतिकारी परिवर्तन करके आज शिक्षा नीति लाई है जी। तो उसको आप विचारधारा थोपने की बात कर रहे हैं, बल्कि मैं कहता हूँ आपका अध्ययन कमजोर है, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या किया। आपने अंग्रेजों के मैकाले शिक्षा पद्धति को अपनाया। 1986 में राजीव गांधी जी ने जो शिक्षा नीति अपनाई थी वो कौन सी शिक्षा नीति थी? जब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री जब अंग्रेजों ने किया, उस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री को आप सुन तो लीजिए आकाश जी सुनिए ना, आकाश जी सुन तो राजीव गांधी जी लेकर आए थे। अरे आकाश जी ठीक है, आपको मैं मौका दूंगा की बात आ जाए, आपने जब बात कही अपनी रखी तब उन्होंने कोई आपके बीच में नीति का टिप्पणी की, उनकी बात आ जाए उसके बाद आपको मैं पूरा मौका दूंगा। राजीव जी के नाम आने से निश्चित तौर पर आप युवा हैं,
आपका खून खोलने लगा होगा, आरोप लगा रहे थे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा शांत रहिए, उनकी बात आ जाए मैं आपको पूरा मौका दूंगा। जी अवधेश जी। जी त्रिपाठी जी, जी कोई आरोप वाली बात नहीं है, हम इतिहास पे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, किसी प्रकार का आरोप नहीं है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी मेरे लिए भी आदरणीय है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जो हुआ है वो जनता के सामने आना चाहिए। आपने अंग्रेजों के समय में मैकाले ने जिस इतिहास को अपनाया, जिस शिक्षा पद्धति को अपनाई, भारत देश को रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री करके अंग्रेजों के अनुकूल एक इतिहास बनाया गया। अंग्रेजों ने भारत देश में बाबू विकसित करने की शिक्षा पद्धति अपनाई, और ताकि वो उनके गुलाम उनके जाने के बाद भी बने रहे, और आपने उसी शिक्षा नीति को अपना ली, और 34 साल तक उसी शिक्षा नीति को औद्योगिकरण आ गया, वैश्वीकरण हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, पूरा विश्व में क्या क्या क्रांति नहीं आ गई, और आप 1986 के बाद में आज तक में किसी प्रकार का भी परिवर्तन करना उचित नहीं समझा। अब आज यदि युग पुरुष मोदी जी ने यदि किसी प्रकार की शिक्षा नीति में उचित परिवर्तन करके युगानुकूल शिक्षा नीति लाई है, तो आपको लगता है कि शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुआ है उससे विचारधारा को बदला जा रहा है? यदि सुन लीजिए, यदि अध्यक्ष जी मेरी बात सुनिए, यहाँ से आपने कहा कि मैकाले की जो शिक्षा नीति थी जिसको राजीव जी ने लागू किया वो बाबू बनाने की शिक्षा नीति थी, इस शिक्षा नीति में कौन से अधिकारी आप बना दे रहे हैं, क्या है ऐसा कि अधिकारी बना दे रहे हैं? इस शिक्षा नीति को जो मैंने पढ़ा है उससे ये जरूर हुआ है कि अगर किसी ने मेहनत की है साल दो साल, इसके साथ एक जो कौशल विकास के एक अलग से कार्यक्रम चल रहा है उससे कहीं ना कहीं इसको जोड़ने का प्रयास किया है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की ओर आप जाएं, जो मोदी जी के जो पूरी शिक्षा नीति है उसमें झलक है। अवधेश जी कोई अधिकारी नहीं बन रहा है इसमें। जी जी मैं आपको वही बहुत बहुत छोटी सा है लाइन, परंतु बहुत गहरी लाइन है जी। छठवीं से व्यावसायिक परीक्षा को लागू किया गया है जी। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई बच्चा 12वीं के बाद शिक्षा किसी कारण से प्राप्त नहीं कर पाता तो वो इतना उसका कौशल विकास हो चुका रहेगा कि वो रोजगार के अनुकूल रोजगार मुखी उसकी शिक्षा हो चुकी रहेगी। आज इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है गांव-गांव में रोजगार के अनुकूल, सुन तो लीजिए आकाश जी सुन तो लीजिए, अभी भी आप बात कर रहे हैं, आपके भाइयों क्या सुनिए ना, रोजगार की शिक्षा नीति आकाश जी युवा है आप जाते हैं, सुन लीजिए मैं आपका पूरा मौका दूंगा बैठे हुए अगर आकाश जी बीच में, अरे आकाश ये सुन तो लीजिए ये शिक्षा टिप्पणी होगी तो ये बहुत अच्छा गुड सब्जेक्ट है, लोग जो छात्र हैं उनके लिए बहुत उपयोगी विषय है, इसलिए अगर डिस्कशन होगा बीजेपी कांग्रेस के बीच में तो उन तक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। आकाश जी आप इनकी बात आगे न दीजिए, मैं आपको मौका देता हूं, अगर दो लोग बीच में बोलेंगे तो कोई मैसेज हमें सुनाई पड़ेगा ना उनको जाएगा, इसलिए आप शांत रहिए उनकी बात आ जाए, मैं आकाश जी आप ही को दे रहा हूं उसके बाद मौका। जी त्रिपाठी जी, जी त्रिपाठी जी जी, रोजगारमुखी शिक्षा जिससे अधिक से अधिक गांव गांव तक में रोजगार मुखी हमारे छात्र विकसित होंगे और उनको रोजगार प्राप्त होगा जी। अब असिस्मेंट की सुविधा, एक छात्र स्वयं का असिस्मेंट करेगा, उसका सहपाठी छात्र भी उसका असिस्मेंट करेगा, एक दूसरे का वो असिस्मेंट करेंगे, शिक्षक भी छात्र का असिस्मेंट करेगा, और जिस स्कूल से वो पढ़ रहा है उस स्कूल का भी असिस्मेंट होगा, मतलब हर कई लेयर पर उस शिक्षा का असिस्मेंट होगा, इससे एक योग्य छात्र अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आएगा। अब ये यहाँ पर नहीं रुका, अब शिक्षकों को भी उनका शिक्षण इसकी भी सुविधा। चलिए ये अवधेश जी थोड़ा संक्षेप में बहुत लंबा हो रहा है, बाल भवन लेकिन अब बाल भवन का निर्माण किया जाएगा आकाश, ये तो सब पढ़ लिया है आपने, सुनिए ये जो आप बता रहे हैं में जो अवधेश जो छात्र अवधेश जी जो आप ये बता रहे हैं ये सब आ चुका है वेबसाइट से लेके अखबारों में सबने पढ़ लिया है। यहाँ जो सवाल पैदा हो रहे हैं लोगों के मन में जो आकाश जी ने उठाया है कि सेंट्रल फाजिल साहब ने भी कहा है कि वही सवाल का तो जवाब है। हाँ वही सवाल का तो जवाब है, सुन तो क्या परिवर्तन आप ही ने मेरे से पूछा, वो परिवर्तन तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या परिवर्तन हुआ, मैं वही उठा रहा हूँ। एक मिनट, फाजिल जी ने भी बात उठाई, आकाश जी ने भी उठाई कि सेंट्रल इंडिया का कोई एम्प्लॉई है उड़ीसा में है, फाजिल जी ने क्या उठाई, अरे एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए, फाजिल जी ने जो उठाई उसका जवाब मैं देना चाहूंगा, अरे एक मिनट बात तो सुन लीजिए भाई,
सेंट्रल इंडिया का एम्प्लाई उड़ीसा में है, गुजरात जाता है, क्षेत्रीय भाषाओं की बात कर रहे हैं वहाँ की, तो वो लैंग्वेज कैसे पढ़ेगा? बस अंग्रेजी की अनिवार्यता अगर समाप्त हो रही है तो अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त होने पे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे भाग लेगा? ये फाजिल जी ने उठाया है। त्रिपाठी अब मैं बोलूं? जी देखिए त्रिपाठी जी, ये यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है, हिंदी भाषा के साथ में जो राष्ट्रीय भाषा है हमारी जी, हिंदी भाषा के साथ में क्षेत्रीय भाषा भी वो ऐच्छिक रूप से पढ़ सकता है जी। यदि भारत देश का नागरिक है वो कहीं पर भी जाता है तो हिंदी भाषा में पढ़ सकता है। आज हमारी राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी नहीं है जी। यही तो अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई आज तक, यही समस्या है जी। आज हम अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा का यदि हम दर्जा देना चाह रहे हैं क्या? हमारी राष्ट्रभाषा यदि हिंदी है, हिंदी में भी एजुकेशन चल रहा है तो ये सकलांग विचारधारा है, सकलांग शिक्षा नीति है। बल्कि यदि अंग्रेजी में चल रहा है तो ये विकलांग शिक्षा नीति थी। और अंग्रेजी के आज बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी जो कि क्षेत्रीय भाषा को जानते हैं, छत्तीसगढ़ी का विद्यार्थी छत्तीसगढ़ी में पढ़ सकता है, आज यदि बीजापुर का है वो गोंडी में पढ़ सकता है, सरगुजा में सरगुजी भाषा में पढ़ सकता है, और साथ में हिंदी में तो पढ़ेगा ही। परंतु आप यदि बोलेंगे अंग्रेजी में पढ़े तो क्या तो इसका मतलब जापान में जापानी से पढ़ाई हो रही है, मतलब वो अधूरा ज्ञान है? चाइनीज को मतलब बहुत लंबा हो गया, बड़ा छोटा विश्व में जो अपनी भाषा को भरपूर दे रहे हैं। अवधेश जी आप बिल्कुल ये बोलने के लिए बहुत अच्छा है आपका मुद्दा, आप बढ़िया भाषण इसमें दे सकते हैं। 15 साल रमन सरकार रही है, मंत्रालय में क्या हिंदी में काम होने लगा है क्या? 15 साल रमन सरकार रही है, 6 साल से मोदी सरकार है, कौन सा हिंदी में काम होने लगा है? मंत्रालय में तो हिंदी काम के मैं आपको हजारों हजार पत्र दिखा दूंगा, मैं छत्तीसगढ़ के मंत्रालय का तो मेरे को अच्छी जानकारी है। मैं हजारों हजार पत्र आपको अंग्रेजी में दिखा दूंगा, भाषा नहीं बल्कि अंग्रेजी में दिक्कत होती है। अपनी बात जो है कि और हमारे रमन सरकार जी ने, हमारे रमन सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी ने तो ऐतिहासिक कदम उठाया, छत्तीसगढ़ी भाषा में भी वो काम कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ी उन्होंने दर्जा दिया। रमन सिंह ने की उस बात पे मैं मत जाइए, तो हमने तो जो हमारी कठिनाइयां करनी है हमने किया है। शिक्षा नीति पे बात कीजिए, शिक्षा नीति पे रमन सिंह ने क्या दुर्गति की है इस पे बात मत कीजिए। छत्तीसगढ़ की विचारधारा थोपने का बात बोला तो कौन सा विचारधारा थोपने की है ये बताइए मेरे को। हमारे पास दो तीन तीन शिक्षा बताइए मेरे को, विचारधारा की बात बता दीजिए। अवधेश जी आकाश जी का उत्तर आने दीजिए। हमारे साथ 3 शिक्षाविद हैं, हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षाविदों का ज्यादा से ज्यादा जो विचार है वो आम जनता तक जाए, इसलिए हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं करना चाहते। आकाश जी आप क्या कहेंगे संक्षेप में? हमारे साथ फाजिल साहब है, शर्मा जी है, सोहानी साहब है, हम इनके पास जाएंगे इसके बाद। आकाश जी क्या कहेंगे? मैं दो तीन एक बहुत प्रमुख मुद्दे उठाना चाहता हूँ साथ में कि ये पॉइंट जो शिक्षा नीति में डाली गई है उस पर ये खुद ही कंफ्यूज हैं। अब ये 4 ईयर कोर्स की बात में कर रहा हूँ, विचारधारा की बात बताइए, आप विचारधारा की बात उठाए हैं। 4 ईयर की मैं विचारधारा की बात कौन सा विचारधारा छोड़ा ग्रांड कम कर दिया गया है शिक्षा नीति में? अवधेश जी आकाश जी की बात आने दीजिए, आप धैर्य से सुनिए। देखिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, अनुरोध किया था, वो शांत हुए, आपकी बात पूरी आई, अब वो बोल रहे हैं तो आप उनकी बात आने के माध्यम से आकाश जी से पूछना चाहता हूं। आप उनकी बात आने दीजिए ना, आप उनकी बात आने दीजिए फिर आपको बता दिया था कौन सा थोपा गया था। अरे उनकी बात तो आने दीजिए, बीच में बोलेंगे देखिए ना हमको सुनाई पड़ेगा ना आम जनता सुन पाएगी। जी आकाश जी मैं दो प्रमुख पॉइंट रखना चाहता हूँ कि इस देश में रिसर्चर्स और स्कॉलर्स भी निकलते हैं जी। और इकोनॉमिस्ट भी निकलते हैं जी। इस देश में अब्दुल कलाम जैसे लोग और डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट लोग भी निकलते हैं। रिसर्चर्स को ग्रांट को कम करके अब इस शिक्षा नीति से केवल उस मुद्दों पर शोध किया जाएगा, उस आइडियोलॉजी पर शोध रिसर्च होगा जिसको आरएसएस चाहेगी, इस स्थिति में यह गया। दूसरा और फोर ईयर कोर्स इसी 4 साल के कोर्स का स्मृति ईरानी ने प्रोफेसर दिनेश सिंह का विरोध किया था, गुमराह करने वाली बात है, कोई गुमराह करने बात नहीं है। इसी का कौन सा विचार तो इसी 4 ईयर के कोर्स का दिल्ली विश्वविद्यालय में विरोध हुआ था, विचार 4 ईयर के कोर्स का वकालत की शिक्षा 4 ईयर के
पाश्चात्यकरण की शिक्षा नीति का, और ये मैकाले की शिक्षा नीति के कारण देश की शिक्षा नीति आज तक हमारी अधूरी रही, जिसको मोदी जी ने पूर्ण किया है, संपूर्ण किया है, सकलांग किया है। चलिए हम अपने शिक्षा विदों से जानकारी लेते हैं। फाजिल साहब आप वहीं पे हैं, रायपुर से ही हैं, हम उसके बाद अपने सहानी जी के पास, शर्मा जी के पास आ जाएंगे। फाजिल साहब जो ये डिस्कशन हुआ है इसमें विचारधारा और हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं। मैं आपने देखा होगा अभी यहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने भी अपनी बात कही, थोड़ा सा इसके बहुत संक्षेप में एक दो पॉइंट्स में फायदा क्या है और नुकसान क्या है, ये बहुत संक्षेप में स्कूल शिक्षा पे जानना चाहेंगे। कॉलेज शिक्षा के लिए हमारे साथ शर्मा जी और सुहानी जी बैठे हैं। जी फाजिल साहब देखिए, कुछ चीजें अच्छी हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट कुछ जो चेंजेस हैं उसके लिए बेसिकली हमारे पास नीचे में बहुत सारी टीम चाहिए। खाली कागज पे है, पॉलिसी ऑन पेपर है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट आएगा ना, तब बहुत सारी डिफरेंसेस होंगे। जैसे कि एक बच्चे को अगर आप फोर्थ क्लास में, थर्ड क्लास में अगर आप बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग डालेंगे, तो वोकेशनल ट्रेनिंग का बच्चे का माइंड कितनी तरह के लॉजिस्टिक सेटअप आपके पास होंगे, कितना बड़ा लैब होगा जिससे आप समझ पाएंगे कि बच्चा किस तरह के वोकेशनल की तरफ जा रहा है। उतनी सारी तैयारियां हमारे पास नहीं है, ना हमारी टीचर ट्रेंड है, ना हमारे लैब है। मैं वेस्ट जर्मनी में था, मैं वहां पढ़ाया हूं, वहां पे लैब है, वहां लैब है, लैब से हम बच्चों की प्रोग्रामिंग करते हैं और समझ जाते हैं बच्चा किधर जा रहा है। तो वो तैयारियां और वो फंड और वो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब नहीं है। पॉलिसी अच्छी है, मगर इंप्लीमेंटेशन पार्ट में ये प्रॉब्लम आएगा। और इसलिए आपके भोपाल के एक शायर है, उन्होंने अच्छी बात कही कि दर बदर भटकना क्या, दफ्तरों के जंगल में बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना। तो फिर अगर खाली कागजी बात हो जाएगी तो फिर सिर्फ डिग्रियां वाली बात हो जाएगी। मुझे लगता है कि हम कट पेस्ट ना करें, हम असलियत को समझें। और दूसरी बात कि जो हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, नहीं, उसमें एक ट्रांजिशन टेस्ट होगा, वरना फिर ये गिमिक्स हो जाएगा। कोई भी कभी भी कुछ भी लेगा, फिर छोड़ेगा, फिर पकड़ेगा, लेकिन कोई ट्रांजिशन टेस्ट, क्योंकि उसका अगर आईक्यू लेवल उस पर नहीं मैच करता है तो वो विषय नहीं बदल सकता है। इतना आसान नहीं होगा ना कि कहीं से कोई विषय चला जाए। हाँ, अगर वो जो ट्रांजिशन टेस्ट होना चाहिए, वो टेस्ट डिजाइन करना पड़ेगा, ये होलिस्टिक होना चाहिए। हम सबसे अच्छी बात है कि हम जो बजट बढ़ाया उसकी मैं तारीफ करूंगा, नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छी बात है, मगर बेसिक लेवल पे बहुत सारी तैयारियां, बहुत अच्छे लैब, ट्रेनिंग टीचर्स, ट्रेंड टीचर्स, और वो नया सिस्टम ऑफ पीपल, वो नए माइंडसेट के लोग, वो नए माइंड के टीचर्स कहाँ से लाएंगे हम लोग, वो सब कुछ लाना बहुत मुश्किल है। दैट इज वेरी वेरी बिग चैलेंज। हाँ, नया एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट दैट इज वेरी बिग चैलेंज। अवधेश जी, आप बार बार कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा मैं शर्मा जी के और सुहानी जी के भी विचार जान लें, फिर हम आपके पास ही आएंगे। अवधेश जी आएंगे आपके पास, आप दोनों लोग पास आएंगे, एक बार मैं शर्मा जी से पूछ लूं। शर्मा जी, वही चैलेंज यहाँ भी है, कॉलेजों में अध्यापक उस स्तर के नहीं है, या तो है ही नहीं, 1,000 बच्चों पे एक दो अध्यापक है, अलग अलग सब्जेक्ट के अध्यापक नहीं है। ऐसी स्थिति में अब कोई, जैसा आपने कहा, एडाप्ट करना चाह रहा है, यहाँ तो अलग अलग संकाय है, आर्ट का कॉलेज अलग है, साइंस का कॉलेज अलग है, हम कॉमर्स का कॉलेज अलग है, तो अब ऐसी स्थिति में जैसा कि स्वानी जी ने भी कहा उनका, कि अगर कोई साइंस के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो फिर अब निश्चित तौर पे इसके लिए शिक्षाविदों की जरूरत है, हमारे प्रोफेसरों की जरूरत है, अलग अलग जो प्रोफेसर हैं अलग अलग विषय की उनकी जरूरत है। तो ये इम्प्लीटेशन जो होगा इसको किस तरह से लागू कर पाएंगे, ये एक कठिन सवाल है। शर्मा जी निश्चित रूप से पाठी जी, आपने बहुत अच्छी बात उठाई, यही हम सब लोगों के मन में भी यही बात है जी। किस तरह से आने वाला सेटअप किस तरह से होगा, क्योंकि अभी तो शिक्षा नीति का ड्राफ्ट आया है, फिर कैसे सिलेबस आएगा। मेरे दिमाग में भी एक बात आ रही थी, मान लीजिए कोई बच्चा 12th के बाद उस पर आता है, अपना साइंस स्ट्रीम के अंदर आता है जी, तो 12th के अंदर क्या उसका एक्सपेरिमेंट का लेवल वगैरह क्या होगा, या टीचिंग का क्या लेवल होगा, ये सब अभी देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात जो फाजिल साहब ने उठाया, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि कोई भी अपन पॉलिसी कोई भी खराब नहीं होती, पुरानी पॉलिसी भी खराब नहीं है, ये पॉलिसी भी खराब नहीं होती, हमेशा एक परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है, आगे हमें बढ़ना चाहिए जी। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है और उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से होता है, ये सब चीज़ें भी इसके अंदर अपन को देखनी पड़ेंगी। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि साहब आगे किस तरह से इसके आर्ट्स कॉलेज अलग होंगे या साइंस कॉलेज अलग होंगे। निश्चित रूप से जब सब्जेक्ट ओवर फाइन आर्ट लेगा तो साइंस कॉलेज के अंदर तो फाइन आर्ट का कोई टीचर नहीं है, तो फाइन आर्ट का टीचर रखना पड़ेगा। उस हिसाब से वहाँ पर जो उनके लैब वगैरह होंगे, वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह, वो सब भी हम लोगों को वहाँ रखने पड़ेंगे।
तो चेंज तो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में और भारी चेंजेस होगा निश्चित रूप से। ये दिक्कत प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आएगी। स्वानी साहब बहुत अच्छी बात हुई है जो कि जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं दे आर गवर्न बाय मल्टीपल अथॉरिटीज, देर आर मल्टीपल बॉडीज हु आर गवर्निंग द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड द यूनिवर्सिटीज। तो उसमें जो समय या जो क्वालिटी एजुकेशन जिसका कि डॉक्टर फाजिल साहब भी बोल रहे हैं, डॉक्टर शर्मा ने भी बोला कि क्वालिटी कैसे मेंटेन रह पाएगी, तो एक पॉइंट जो बहुत अच्छा हुआ कि सिंगल विंडो अथॉरिटी विल बी देयर टू गवर्न दीज हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। लेकिन मुझे डर है कि अभी उन्होंने सिर्फ जैसे यूजीसी और एआईसीटी, जो कि एआईसीटी सारे टेक्निकल एजुकेशन को गवर्न करती है, मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, फार्मेसी के प्रोग्राम्स हैं, एंड देर आर फ्यू प्रोग्राम्स ओनली एआईसीटी गवर्न करती है। उसके अलावा बहुत सारी और भी बॉडीज हैं जो कि गवर्न करती है, बिल्कुल बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स को आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, देन पीसीआई, फिर नर्सिंग के प्रोग्राम्स को अलग है, आईसीएमआर, आईसीआर जो करती है, जब तक उसका एक्रेडिशन नहीं होता वो कोर्सेज ऑथराइज नहीं होते, जबकि आपके प्रोग्राम्स यूजीसी से पूरे ओकेड है, मतलब दे आर ऑल अप्रूव्ड प्रोग्राम्स, बट स्टिल देर आर मल्टीपल एजेंसीज। तो इसका इंटरप्रिटेशन आस्पेक्ट जो है, जो सरकार, जो केंद्र सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त जो इसका इंटरप्रिटेशन है, उसमें सच में ये सिंगल विंडो हो तो शिक्षकों के पास पढ़ने पढ़ाने के लिए ज्यादा समय रहेगा और उससे क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। अदरवाइज सारे के सारे मल्टीपल एजेंसीज को करने में हमारे शिक्षक उसी में ही अपना काफी समय जाया कर देते हैं जी। लेकिन वहाँ एक यहाँ भी ये भी मुद्दा है कि जो अंग्रेजी अनिवार्य, हालांकि ये अलग मुद्दा है, अंग्रेजी अनिवार्य नहीं होगी तो निश्चित तौर पे आम शुरू और नर्सरी और केजी और स्कूल का बच्चा अंग्रेजी से डरता है थोड़ा, आप भी जानते होंगे, ये हिंदुस्तान है, हर घर में हिंदी या क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। अब ऐसी स्थिति में आगे आकर के वो जो कम्पिटिटिव एग्जाम देगा आगे जाकर के, और ये आप भी जान रहे हैं, हम कहने में बहुत अच्छा लगता है, आज तक किसी बैंक में हिंदी में काम होता हुआ हो तो बताइए, किसी मंत्रालय में कह सकते हैं अवधेश जी, हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कितने यूपीएससी प्रशासनिक सेवा में है, साउथ का आदमी, उड़ीसा का आदमी, दूसरी जगह का आदमी, वो बचपन से अपनी लैंग्वेज पढ़ेगा और या फिर अंग्रेजी पढ़ेगा तो कैसे काम होगा। स्वामी जी सर, इसमें जो मेरा भी एक पॉइंट जो आपने कहा, बिल्कुल मुझे भी बार बार स्ट्राइक कर रहा था ये कि जब हमारा पांचवी कक्षा तक ना एबीसीडी से कोई ताल्लुक रहेगा तो निश्चित रूप से जब छठवीं में बच्चा पढ़ेगा तब तक वो मैच्योर हो चुका होता है। और एक बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो भाषा है वो जितनी कम से कम एज में बच्चा सीख ले उतना ज्यादा उसको आगे की पढ़ाई करने में आसानी होगी। जैसे कि हम देखें कि कठिन से कठिन भाषाएं, कन्नड़ तमिल तक 10 महीने का एक साल का बच्चा बड़ा फ्लुएंसी बोलता है, उसने कुछ नहीं पढ़ा होता है, तो वो माहौल यदि उसको कम एज में मिलता है तो ये सच में एडवांटेज होगा। इस पर भारत सरकार एक बार सच में विचार कर सकती है, क्योंकि ये मुद्दा जब हम लोग पढ़ा करते थे मध्य प्रदेश में तब भी ये उठा करता था, और जहां पे यदि 1957 घरों के सामने लिखा रहता था तो वो पत्थरों से फोड़ दिया जाता था जी। और उस तरह का जो माहौल बना था, तो हम लोगों ने पहली बार छठवीं कक्षा में एबीसीडी देखी, जब कॉलेज एजुकेशन में गए तब पता लगा कि यहाँ तो पूरा आपको बुक्स ही नहीं मिलेंगी, उसके लिए हमें बहुत तैयारी करनी पड़ेगी देश को, यदि सारी की सारी हमें जो साइंस और टेक्नोलॉजी और मेडिकल सारी बुक्स हम लोगों के पास अभी उसको कन्वर्ट करेंगे भी तो वो इतना क्लिष्ट होगा कि शायद वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी मातृभाषा में करें, बहुत अच्छी विचारधारा है, लेकिन उसके जो चैलेंजेस हैं क्या हम उसको कोप अप कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अवधेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे साथ में, वही सवाल मेरा भी है, आप अपनी बात रखें, आकाश जी अपनी बात रखें, लेकिन वही सवाल हमारा है। बहुत अच्छी बात है छत्तीसगढ़िया भाषा में काम हो, हिंदी भाषा में काम हो, हम भी पक्षधर हैं, लेकिन क्या ये संभव है? जैसा कि अभी बताया आपने, आपके पास पुस्तक ही नहीं है, अभी मेडिकल एजुकेशन की पुस्तक नहीं है, इंजीनियरिंग की पुस्तक नहीं है, यहाँ भोपाल में इंजीनियरिंग हिंदी में खोली गई थी, हिंदी भाषा में बंद हो गई। क्या आर्यभट्ट, क्या क्या त्रिपाठी जी, क्या आर्यभट्ट अंग्रेजी जानते थे? क्या चाणक्य अंग्रेजी जानते थे? पर उन्होंने विश्व का ऐसा, आर्यभट्ट ने गणित का सूत्र ऐसा दिया और चाणक्य ने राजनीति शास्त्र का ऐसा सूत्र दिया कि आज तक उनके समान कोई व्यक्ति नहीं हुआ। इसलिए सवा सौ करोड़ की आबादी में कितने आर्यभट्ट हैं और लाएंगे का एक
जी जी मैं त्रिपाठी जी 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 वही वही ऐसी शिक्षा नीति आपने बनाई गई कि शिक्षा नीति में अंग्रेजी का महत्व इतना बताया जा रहा है, आज भी ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे शिक्षा नीति अंग्रेजी के बिना अधूरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जापान में अंग्रेजी को इतना महत्व दिया जा रहा है? क्या महत्व दिया जा रहा है? और वहाँ की स्थानीय भाषाओं में वहाँ के भी वैज्ञानिक हो रहे हैं और वहाँ पर वो शोध हो रहे हैं। भाषा किसी भी ज्ञान के लिए रुकावट नहीं है, भाषा केवल और केवल ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम है, न कि भाषा ही ज्ञान का माध्यम है। भाषा को ज्ञान का माध्यम मत बताइए कि ये इस भाषा को जानता है तो बहुत विद्वान है, ये भाषा को नहीं जानता तो बहुत विद्वान नहीं है। ये अंग्रेजी को जानने वाला विद्वान है, हिंदी को जानने वाला विद्वान नहीं है। ये इस तरह की बातें ना हो तो अच्छा है, बल्कि हिंदी से भी हमारे वैज्ञानिक बनेंगे और हिंदी को ही हमारे राष्ट्रीय पे हमको चिंतन करके आगे दूसरा फाजिल साहब की बात अंग्रेजी से संस्कृत कहीं ज्यादा कठिन है अंग्रेजी से, ये हम कह रहे हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, आप यूपीएससी का एग्जाम हिंदी, निश्चित तौर पे आप यूपीएससी पीएससी के एग्जाम जो भी है तो हिंदी है, लेकिन यूपीएससी अंग्रेजी कंपल्सरी है। त्रिपाठी जी 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 आवाज आ रही है आपको? हाँ जी त्रिपाठी जी, आपकी आवाज रुकी, फिर से बोलिए। हम ये बोल रहे हैं यूपीएससी में अंग्रेजी अब आ रही है, अब बोलिए। यूपीएससी में अंग्रेजी कंपलसरी है कि नहीं है, ये बता दीजिए। नहीं, ये यदि शिक्षा आपने, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहे की शिक्षा नीति को अपनाया अंग्रेजियत को, शिक्षा नीति का अंग्रेजियत किया। यदि ये त्रिपाठी जी क्या है इस पे बहस नहीं करिए, क्या किया गया है इस पे बताइए। मैं फाजिल साहब बोल रहे थे, फंड की बात बोल रहे थे। आज अभी वर्तमान समय में जो पहले 4.4 तक का ही देश की जीडीपी का शिक्षा पे व्यय होता था, अब 6% तक आप बोलेंगे ना, आप बोलेंगे ना, आप बता भाई, आप बोलना ना, आप आएंगे ना, आप पहले क्या विचारधारा होती है और एसटीएससी क्या विचारधारा होती है, ये बताइए। सबको दूर किया गया है इस नीति से। चलिए अवधेश जी एक मिनट रुकिए, आकाश जी कुछ कहना चाहते हैं। आकाश जी अपनी बात कहिए, ठीक है आकाश जी, अगर दोनों लोग एक साथ बोलेंगे। मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा चल रही है। जी जी बोलिए आकाश जी। मैं यहाँ पर तमाम शिक्षाविद बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इस नीति में हर शिक्षण संस्थान में निर्देशक मंडल गठित करने का प्रावधान हुआ है कि निर्देशक मंडल गठित किया जाएगा हर शिक्षण संस्थान में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कई शिक्षा प्रोफेसर हैं जो हमसे बात करते हैं, इस पॉइंट को आने के बाद कई प्रोफेसरों ने मुझे कॉल किया, वो कई शिक्षण संस्थानों में काम कर रहे हैं, कई साल से पढ़ा रहे हैं, वो तो रेगुलर हो नहीं पाए, तो ये निर्देशक मंडल गठित करने का क्या प्रावधान है? आपको पहले ये बताइए विचारधारा क्या थोपी गई है, निर्देशक मंडल क्यों गठित किया गया? आप ये बताइए क्या विचारधारा करके, ये मैं जवाब चाहता हूँ कि निर्देशक मंडल आप बताइए पहले में कौन सी थोपी गई है। तमाम शिक्षा विचारधारा भी बैठे हैं, मैं चाहता हूँ यही बता पा रहे हैं क्या विचारधारा है महाविद्यालय में, स्वीकार करेंगे शिक्षा पद्धति को अपनाया? एक मिनट मैं पूछ ही लेता हूँ तीनों शिक्षा विदों से, थोड़ा अगर आप लोग शांत रहेंगे तो। फाजिल साहब ये जो आकाश जी ने सवाल उठाया है इसका क्या मतलब है, फिर मैं आनंद जी से भी पूछूंगा और सोहानी जी से पूछूंगा। फाजिल साहब बहुत संक्षेप में। नहीं, इसका मुझे कोई अगर बाहर का कमेटी अगर निर्देशन करेगा तो क्या स्कूल की अपनी फ्रीडम लॉस हो जाएगी? तो ये कौन होगा, किस तरह का बॉडी होगा, गवर्नमेंट होगा, प्राइवेट बाहर का आदमी होगा, उसको कितना पावर होगा और उसका कितना इंटरेक्शन होगा और कम्युनिकेशन होगा निर्देशक के साथ? और फिर क्या है कि ये सुप्रीमेसी इसकी होगी, इसका क्या विजन होगा और सरकार का विजन क्या होगा शिक्षा, ये बहुत डिफरेंसेस आएंगे और इस तरह से हमेशा हम फेलियर होती है।
तो मेरे ख्याल से एक वन कंट्रोलिंग टीम इज इनफ काफी है। जी शर्मा जी, आपसे भी जो उन्होंने बात उठाई कि अलग अलग शिक्षण निर्देशक मंडल होगा, निर्देशक मंडल की जो बात जहाँ तक है, जो एकेडमिक काउंसिल होगा तो शायद ये उसी स्वरूप का होना चाहिए। अभी अध्यक्ष इसका किस स्वरूप के अंदर आएगा ये नहीं आया। तो एकेडमिक काउंसिल होती है, एकेडमिक काउंसिल के अंदर जो शिक्षक होते हैं, टीचर्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट वो आते हैं, वो गवर्न करते हैं, सिलेबस वगैरह भी जो बनता है उसमें उनकी मदद ली जाती है। तो इसी तरह का शायद कुछ स्वरूप होगा उसका। नहीं वो बोल रहे हैं अलग अलग। चलिए आकाश जी आपके पास आएंगे, एक बार सोनी साहब का भी मत जान लेते। सोनी साहब, इसमें जो पॉइंट अभी बताया ये पहले से ही मौजूद है शिक्षा प्रणाली में, पहले से ही है। जैसे कोई विश्वविद्यालय तो उसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज होगा, एकेडमिक काउंसिल होगी, फिर बीओजी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। तो ये वाली तो पद्धति, ये वाला पहले से ही उसमें समाहित है, उसी को दोबारा रिपीट कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज है। जी आकाश जी, सुन लिया आपने शिक्षा विभाग का, ठीक है फाइनल में कि कौन होगा क्या होगा, लेकिन यह पहले से ही लागू है आकाश जी। उसका जो संरचना, उसका जो ढांचा होता है, नहीं, उसमें शिक्षक गण भी रहते हैं। पढ़ा हूँ दुर्गा कॉलेज में भी, काउंसिल है वहाँ पर। मैं रवि सदन विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, आप भी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, वहाँ पर भी बाकायदा कार्य परिषद है, वहाँ पर शिक्षा विदों की कमेटी है। जी आकाश जी, आकाश जी आप ये विषय समझ में नहीं आया। एक्चुअली ये पहले से है और ये अभी विषय समझ में नहीं आया क्यों यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है ये। जी मैं प्रासंगिक नहीं है मतलब आकाश जी, शिक्षा पॉलिसी पे बात चल रही है, हमारे शिक्षाविद बैठे हैं, तो मेरा एक छात्र होने के कारण मैं जो मेरी बात सामने आएगी मैं रखूंगा। ये चीज निर्देशक मंडल जो बात इस गाइडलाइन में डाली गई है कि शिक्षण संस्थानों को कंट्रोल करेगी और ये बात, और इसी में दिल्ली विश्वविद्यालय में तमाम प्रोफेसर जो अनुरोध पे आ गए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो है वीसी के घर के बाहर आंदोलन कर रहे हैं कि इस यहाँ पर कि इसका विरोध कर रहे हैं। तो वो ये प्राइवेट गवर्नमेंट काउंसिल नहीं, जो यूजीसी आपने खत्म कर दिया है, शिक्षण संस्थान के पास काउंसिल बैठाएंगे बोल रहे हैं, तो ये कंट्रोलिंग वाला क्यों, जो फाजिल सर ने बात कही है कि ये कंट्रोलिंग क्यों, ये शिक्षण संस्थानों को इतना आप पैक करके रखना चाहते हैं कि आप एक कंट्रोलिंग गवर्निंग काउंसिल बैठाएंगे वहां पर, और जो प्रोफेसर वहां पर जिस से पढ़ा रहा है उसे आप रेगुलर करेंगे नहीं, और इसी वजह से इसका विरोध क्यों हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय के घर के बाहर लोग विरोध कर रहे हैं निर्देशक मंडल का। चलिए अवधेश जी उत्तर दे दीजिए, संक्षेप में प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। जी जी जी, बल्कि मैं तो फाजिल साहब से ये पूछना चाहूंगा कि क्या आज भी मदरसों में उर्दू में पढ़ाई होती है, तो क्या वो शिक्षा अधूरी है, अंग्रेजी में पढ़ाई नहीं होती, क्या वो शिक्षा अधूरी है, आपका बल्कि मैं इसमें वर्जन जानना चाहूंगा। किसका, फाजिल साहब का, फाजिल साहब का। जी फाजिल साहब जी, क्या उन्होंने कहा कि मदरसों में जो उर्दू में पढ़ाई होती है क्या वो अधूरी है क्या? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने अपने वर्जन में ये कहा था कि इंग्लिश जो है छोटी क्लास में अगर नहीं करेंगे तो बच्चे का जो ब्रेन है वो नर्चर्ड हो जाता है, इसके बाद लर्निंग में उसको मुश्किल होगी। नहीं नहीं, मैं उसके बैलेंस नहीं बोला, तो इनिशियल स्टेज में भाषा सीखना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा बेटर होता है, बाद में प्रोजेक्शन करोगे तो ये डिफिकल्ट होगा सीखने में उनको, मैंने ये कहा था। और जहां तक सवाल है कि अंग्रेजी का या हिंदी का, वो मैंने कह रहा हूँ, देखिए आज हम रफेल बाहर से लाए ना, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, तो धनुष से तो नहीं लाई लड़ रहे ना, लेकिन हम रफेल की, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने सवाल किया, उन्होंने कहा कि अगर बचपन में बच्चा जो सीखता है उसकी जो उसको आत्मसात करने की क्षमता होती है वो ज्यादा तेज होती है। त्रिपाठी जी, सार की बात यह है, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, सार की बात यह है, बात है भाषा कभी भी भाषा सभी भी ज्ञान अर्जन करने का माध्यम है, कभी भी ज्ञान का माध्यम नहीं है, हमने नहीं कहा। चलिए आपकी, ज्ञान अर्जन करने का माध्यम है, चाहे वो उर्दू में सीखे, चाहे वो हिंदी में सीखे, चाहे वो छत्तीसगढ़ में सीखे, चाहे वो बंगाली में सीखे, चाहे वो मराठी में सीखे, ज्ञान प्राप्त करे। हमारे देश का बच्चा अगर इंग्लिश सीखता है, आप अध्यात्म में जा रहे हैं, अवधेश जी जो आप बात कर रहे हैं वो KG 1 KG 2 प्राइमरी की पक्ष अध्यात्म नहीं जा रहा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, भाषा पे बात कर रहा हूँ, आप जिससे अंग्रेजी पे बात हो रही है मैं ये बात कर रहा हूँ, जा रहे हैं, हर भाषा सर्वश्रेष्ठ है जी, ज्ञान अर्जन का माध्यम है भाषा, ना कि
ज्ञान का माध्यम बना रहे हैं आप अंग्रेजी। ये प्राइमरी का बच्चा नहीं सीख पाएगा। मैं जरूर आपसे आऊंगा कभी रायपुर, तो आपके सब साथ बैठूंगा और ये आत्मसात करने का प्रयास करूंगा जो आपका जो भी निश्चित ही मैं आपको विचार करूंगा और मैं आपको सब जगह घुमा के दिखाऊंगा। हाँ नहीं, प्रवचन है जो आपका उसको आत्मसात करने का प्रयास करूंगा, लेकिन स्कूल का बच्चा, प्राइमरी का उसका बच्चा, ये जो आपकी जो सोच है उससे कहीं बहुत नीचे है। खैर, हमारा प्रोग्राम समाप्त हो गया है। अवधेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आकाश जी आपका, फैजल साहब आपका, शर्मा जी आपका और सानी साहब आपका, हमारे साथ चर्चा में जुड़े। थैंक यू। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता ये बताई जा रही कि स्कूली शिक्षा उस शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यवसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ किसी लाइफ स्किल से सीधे जोड़ना है। अभी तक स्टूडेंट आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, स्पोर्ट्स, योग जैसे सहायक पाठ्यक्रम या अतिरिक्त पाठ्यक्रम एक्टिविटी के तौर पर पढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अब ये मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भर नहीं कहा जाएगा। तो वहीं किन्हीं कारणों से पढ़ाई बीच में छूट जाती है तो उसके लिए भी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब अगर किसी कारण से पढ़ाई बीच सेमेस्टर में छूट जाती है तो इसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के तहत आपको लाभ मिलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के साथ शिक्षा को सरल बनाने के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं और सरकार ने तय किया है कि अब सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कुल 6% शिक्षा स्तर पर खर्च होगा। फिलहाल भारत की GDP का 4.43% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि नई शिक्षा नीति छात्रों के सपनों को आसानी से पूरा करने में सहायक होगी या फिर उन्हें और उलझाएगी। इसी साथ जनता मां के जवाब में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।